Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. एक माह में मेरठ भाजपा इकाई ने दूसरी बार पार्टी नेतृत्व को सोचने मुद्रा में डाल दिया। हाशिमपुरा में जागरण कराने की जिद पर अड़े भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा, दीपक शर्मा और पूरी मेरठ इकाई को मुक्की खानी पड़ी थी। अब मेरठ मेडिकल थाने पर बैनर लगाने के मामले में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। 6 भाजपा नेताओं को पुलिस व सरकार की छवि पर डेंट लगाने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी सख्ते में हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इन हालातों पर ऐसा किस तरह काबू पाया जाए कि संगठन को कोई नुकसान न पहुंचे। पार्टी का आम कार्यकर्ता बेबस हो इधर उधर ताक रहा है। जिन विधायकों व मंत्रियों की जय जयकार ये 6 भाजपा नेता करते चले आ रहे थे, वे सभी खामोशी के चादर ओढ़े पड़े हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने इतना जरूर कहा कि दोनों ही तरफ से गलत हुआ है, पार्टी को लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है। क्या अवगत कराया, इस सवाल पर महानगर अध्यक्ष ने भी चुप्पी साध ली। यह बात और रही कि देर शाम सभी को जमानत मिल गई। दरअसल पार्टी नेतृत्व को बताया गया था कि यदि सभी जेल जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। एक माह पूर्व हाशिमपुरा में देवी जागरण कराने की जिद भाजपा प्रत्याशी कमलदत्त शर्मा व दीपक शर्मा ने पकड़ ली थी। सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया था कि बिना परमिशन यहां रमजान महीने में देवी जागरण नहीं होने दूंगा। तो दीपक शर्मा ने एक वीडियो वायरल कर यह चेतावनी इंस्पेक्टर को दे दी थी कि बस की हो तो जागरण होने से रोक देना। सोशल मीडिया पर तमाम भाजपाइयों ने एक कैंपेन चलाकर 2 मई को हाशिमपुरा पहुंचने का आह्वान किया था। मामला शासन तक पहुंचा तो साफ हो गया कि किसी भी नए धार्मिक आयोजन को सरकार अथवा प्रशासन द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद कमलदत्त शर्मा व दीपक शर्मा को बैकफुट पर आना पड़ा था। इस दौरान यह भी कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान बना रहे इसके लिए हम भी पीछे हट जाते हैं और सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा को स्थानांतरित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ताजे विवाद में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर के बेहद करीबी शंभू पहलवान प्रशांत कौशिक, सागर पोसवाल व अमर शर्मा ने मेडिकल थाने पर एक दुकान पर कब्जा दिलाने को लेकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि एक बैनर इस आशय का भी टांग दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। यह कृत्य ही ऐसा था कि देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने तंज कसा तो सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के लोग थानों से बराबर दूरी बनाए रखें। इतना ही नहीं, शंभू, सागर, अमर शर्मा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनी रहेगी हमारी खबरों पर नज़र। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।